सब्जेक्टिव शीट नंबर 37, कितने लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया? ठीक है, आप करते जाएं प्लीज़ आगे, जिनका नहीं हुआ वो देख लें। बॉडी जिसका मास 5 kg है, तो लेट अस सपोज ये कितना है, 5 kg है, इनिशियली एट रेस्ट है, सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ कितना, 20 N है। तो आपको ये बताना है कि 10 सेकेंड के बाद, एट टाइम टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड के बाद काइनेटिक एनर्जी क्या। आज हमने किया ये, पहले आप एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए लगा लें, 20 इज इक्वल टू मास इन टू एक्सेलेशन लगा लें, एक्सेलेशन 4 आ जाएगी। फिर आप यहाँ पे वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा लें, वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल 0 है, 4 × 10 करके वेलोसिटी कितनी आ गई, 40 m/s आ गई, क्योंकि आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, हाफ एम इन टू वी स्क्वायर कर दें, मास आपको 5 पता है, वेलोसिटी आपको 40 पता है, आंसर। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? आज ऐसा क्वेश्चन किया भी था हमने, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कितने लोगों के ए बी सी डी में से ए और बी पार्ट हो गए, हो गया नहीं हुआ? ट्राई किया आपने? आंसर गलत आ रहा है, पता है क्यों? क्योंकि आप एस क्या ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है, एस क्या लिया आपने, 126 m आएगा, सारी गेम एस की है इसमें। नहीं आ गया आंसर? नहीं, वर्क एनर्जी थ्योरम की जरूरत नहीं है। देखो आप इसमें सबसे पहले एक काम करें, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लें, देखो चारों पार्ट्स में आपको वर्क डन निकालना है। जब आपको वर्क डन निकालना है, आप किस्म किस्म के अलग अलग किस्म के फोर्सेस से वर्क डन निकलवाएंगे, F into S, अलग अलग फोर्स, अलग अलग वर्क डन है, लेकिन S तो सेम ही रहेगा, बॉडी तो एक ही है, तो S तो निकालें पहले। तो आप इस चैप्टर को, वर्क एनर्जी पार को 2 मिनट के लिए भूल जाएं, बस आप सिंपल न्यूटन के लॉ से क्वेश्चन का आंसर दें कि एक बॉडी जिसका मास 2 kg है, तो ये मैंने लिया 2 kg, इनिशियली एट रेस्ट है, मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 7 N है, सही है, 7 N की फोर्स है। कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन आपको इसमें गिवन है, तो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन का मतलब म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, मतलब म्यू टाइम्स एम इन टू जी, मतलब म्यू टाइम्स, म्यू का मतलब कितना है यहाँ पर, 0.1 इंटू 2 × 9.8, कितना आ रहा है, 1.96, ऐसे ही है, यही आ रहा है। तो अब आगे की अप्लाइड फोर्स कितनी है, 7 N, 7 N क्या है, अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शन कितनी है, 1.96। तो बॉडी कहाँ मूव करेगी, टूवर्ड्स राइट, ये बॉडी राइट मूव करेगी विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ ए, कितनी एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन होगी 7, 1.96 इज मास इनटू एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू यहां से सॉल्व करके कितनी आ रही है, चेक करना, 2.5, ये ले, इसके आसपास है, चेक कर लो, सही है, तो एक्सेलेरेशन आ गई। अगर एक्सेलेरेशन आ गई, ये बॉडी कितने समय के लिए चली, 10 सेकेंड, तो मेरे को ये बताओ कि उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से 0, हाफ एक्सेलेरेशन 2.5 इंटू 10 का स्क्वायर, कितना, 126 m। अब क्वेश्चन स्टार्ट होगा, कोई बात नहीं, मेथड यही किया, तो समझ में आया, पहला स्टेप क्लियर है। जब तक तुम्हें यही नहीं पता वो डिस्प्लेसमेंट क्या कवर करेगी, तो आंसर नहीं आएगा, अब स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाता है।
वो ये कहता है कि डिस्प्लेसमेंट जो कवर होगी उसमें जो एक्सेलेरेशन निकालूंगा वो अप्लाइड फोर्स बाय मास निकालूंगा कि फ्रिक्शन फोर्स बाय मास निकालूंगा। न्यूटन के लॉ क्यों भूल रहे हो? न्यूटन के लॉ में तो ऐसा कोई रूल ही नहीं था। न्यूटन के लॉ में तो एक बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज मास इनटू एक्सेलेरेशन था। तो एक्सेलेरेशन कैलकुलेशन में नेट फोर्स लेनी पड़ती है, आगे की भी और पीछे की, तो ही बॉडी आगे चलेगी। सिर्फ अप्लाइड फोर्स से एक्सेलेरेशन जनरेट नहीं हो सकती। तो पहला स्टेप क्लियर है यहाँ तक? वो तब था जब आप अप्लाइड फोर्स नहीं लगाते और बॉडी को ऐसे फेंक देते हो और फ्रिक्शन रोकती है तो म्यू जी होता है। 7 न्यूटन भी तो है। फिर न्यूटन नाराज होएगा, वो कहेगा आगे की फोर्स पीछे की फोर्स मास इनटू एक्सेलेरेशन। फिर 7 न्यूटन को निगलेक्ट कैसे कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। वो तब था जब 7 ना होता फिर था। पॉइंट समझ में आया यहाँ तक? हाँ, एक आंसर शायद सही नहीं है, चेक करता हूँ। रुको, मैं चेक करता हूँ कौन सा गलत आ रहा है। पहला चेक करता हूँ, यहाँ तक क्लियर है? तो अब एक काम करते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। बोलो अप्लाइड फोर्स कितनी है? 7। अप्लाइड फोर्स बोला तो फोर्स, अब क्योंकि जो अब वर्क डन की कहानी स्टार्ट हो गई और वर्क डन में किसने वर्क डन निकाला वो मैटर करता है। तो किसने वर्क डन निकाला? अप्लाइड फोर्स ने। अप्लाइड फोर्स कितनी है? 7। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? 126। अप्लाइड फोर्स कहाँ है? राइट। डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? राइट। वो तो 9.8 के साथ किया ना तो आ रहा है, 10 के साथ 125 आ रहा है ना, 9.8 के साथ 126 आ रहा है। तो एफ राइट है, अप्लाइड फोर्स राइट है, डिस्प्लेसमेंट राइट है, एंगल कॉस 0 है। आंसर ठीक है, 126 अगर करोगे तो ये आंसर सही आएंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन। भाई फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन में वर्क डन हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव। अब यहां पर क्या लेंगे? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो यहां नेगेटिव लगा लेना, नेगेटिव आंसर है। सही है? तो जब उसने वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछा तो आपने फ्रिक्शनल फोर्स को ही कंसिडर करना है बस। नेक्स्ट है, व्हाट इज वर्क डन बाय नेट फोर्स। अब नेट फोर्स क्या है बताओ? आगे की फोर्स क्या है? 7। पीछे की क्या है? 1.96। तो नेट फोर्स क्या बनेगी? बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स, जो कि सॉल्व करके कितनी आ रही है? 5.04 न्यूटन। तो देख रहे हो नेट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वो भी राइट की तरफ है। सही है? और लास्ट है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। अब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? वर्क डन बाय नेट फोर्स इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इनिशियल एनर्जी तो 0 थी काइनेटिक, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी का चेंज क्या होगा? अमाउंट ऑफ नेट फोर्स, और नेट फोर्स का वर्क डन ही अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी का चेंज है। सेम आंसर है, कैलकुलेट करना मत शुरू कर देना, वर्क एनर्जी थ्योरम से शॉर्टकट मारेंगे। नेट फोर्स का जो भी वर्क डन होगा वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? आंसर सही। ठीक है, नेक्स्ट है ये लो। तो ये तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन जो भी किया था वर्क एनर्जी थ्योरम वाला। बॉडी जिसका मास कितना है? 1 kg है। इनिशियली किस पे पड़ी हुई है? एट रेस्ट पे। हॉरिजॉन्टल फोर्स कितनी लग रही है? 0.5 न्यूटन लग रही है। ऑन अ स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन नहीं है। 10 सेकेंड तक मूव करती है, टाइम की वैल्यू 10 सेकेंड है, और काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। तो पहले वी निकालते हैं, तो फोर्स
इज मास इनटू एक्सेलरेशन लगाएंगे, मास वन इनटू ए करके ए की वैल्यू 0.5 आ गई। फिर वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएंगे, वी इज इक्वल टू 0 प्लस एक्सेलरेशन कितनी है यहाँ पर 0.5 इनटू टाइम करके 5 मीटर पर सेकेंड आएगी, राइट तो क्या निकालना है, वर्क डन बाय फोर्स इन 10 सेकेंड। तो आप एक सिंपल काम क्यों नहीं करते, वर्क डन क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल बॉडी रेस्ट पे है, तो हाफ इंटू वन इंटू फाइव का स्क्वायर इज दी आंसर। ठीक, तो क्या रूल लगेगा, समझ में आ रहा है यहां तक, अमाउंट ऑफ वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सही, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले, ये क्वेश्चन पावर की प्रॉब्लम है, और जब पावर है कहीं सोचो कि मैं पता नहीं क्या कुछ करवा दूंगा पावर में, वर्क एनर्जी एंड पावर में, ये लो पावर एक सेकंड में ख़त्म है फॉर्मूले के साथ, बस ये रही पावर का फॉर्मूला लिख लो, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, या पावर का फॉर्मूला लिख लो एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, बस हो गया पावर ख़त्म, राइट अब इसमें पावर इज इक्वल टू वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसे फॉर्मूला रजिस्टर में नोट कर लेना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को मैं क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी, तो एक नया फॉर्मूला काफ़ी यूज होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी, तो फोर्स इनटू वेलोसिटी इज पावर, इसे नोट कर लेना प्लीज, इसे नोट कर लें। जैसे फॉर्मूला जिस में नोट कर लेना, तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है यहाँ तक क्लियर है यहाँ तक, तो एक चीज़ समझते हैं, आपके पास दो क्रेन्स हैं गाड़ी को उठाएंगी, और दो क्रेन्स क्या करती हैं, वो 30 मीटर तक एक ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा देती हैं, ये लो, तो मैं पूछूं कि वर्क डन कितना करती हैं, आप बोलेंगे MGH, इतना वर्क डन करेंगी अगेंस्ट ग्रेविटी। तो जो क्रेन नंबर वन है, ये काम क्रेन नंबर वन सिर्फ एक मिनट में करती है, और दूसरी क्रेन ये काम तो वो भी सेम करती है लेकिन दो मिनट में करती है, एक मिनट में करती है, एक दो मिनट में करती है, काम सेम करती है लेकिन जो जल्दी करती है उसकी पावर ज़्यादा है। भाई दिल्ली जाना है, मारुति 800 भी जाएगी, वो कौन सा मना कर रही है, पर तुम अगर बड़ी गाड़ी में जाओगे तुम फटाफट पहुँच जाओगे, उसकी पिकअप बहुत तेज़ है भाई, वो एक 10 सेकंड में पता नहीं क्या वेलोसिटी एक्वायर करेगी जो मनुति नहीं कर पाएगी, काम तो वो भी कर रही है, डिस्टेंस तो वो भी उतना ही कर रही है, ट्रेवल सब कुछ उतना ही हो रहा है लेकिन समय का फर्क है, तो यहाँ पर पावर की बात है। तो सेम काम जो कम टाइम में हो रहा है उसकी पावर ज़्यादा है, राइट क्लियर है यहाँ तक, तो
वो यही पूछ रहा है कि अगर एक मिनट में कर रही है, मास कितना है इसमें 2000 इंटू जी, इसमें चलो 10 ले लेते हैं, हाइट 30 है बाय 60 है, पहली पावर है, और दूसरी 2000 इंटू 10 इंटू 30 वर्क डन, इसका भी सेम है लेकिन टाइम अलग है, इसके यूनिट्स क्या होते हैं वॉट्स, तो ये दोनों की पावर की वैल्यू आ जाएगी दो केसेस में। पहला स्टेप क्लियर है, दो पावर्स आएंगी, एक एक मिनट वाली, एक दो मिनट वाली क्रेन है। तो मेरे कुछ क्वेश्चन है आगे, पहला क्वेश्चन, क्या दोनों ने सेम काम किया, यस कि नो? क्या काम किया? गाड़ी को उठा दिया, क्योंकि एक ने कुछ ज्यादा ऊपर उठा दिया, नहीं किया, सेम काम किया। तो वर्क डन एमजीएच दोनों में, वर्क डन एमजीएच है यहां पर, एमजीएच दोनों में सेम है, लेकिन एक ने जल्दी किया एक ने लेट किया, सही है। अब ये काम करने के लिए एमजीएच एनर्जी चाहिए थी, ये काम करने के लिए क्रेन को एमजीएच एनर्जी चाहिए थी, दूसरे को भी एमजीएच एनर्जी चाहिए थी, एनर्जी कहां से आएगी? तो फ्यूल डालोगे, पेट्रोल डालोगे, डीजल डालोगे, वहीं से आएगी। तो क्या दोनों फ्यूल कंजम्पशन सेम करेंगी? फ्यूल बर्न करके इंजन क्या जनरेट करता है? एनर्जी। तो एनर्जी मान लो 1 लीटर पेट्रोल में काम होता है, 1 लीटर पेट्रोल के अंदर एमजीएच एनर्जी जनरेट हो जाती है इक्वलेंट टू एमजीएच। तो दोनों एक एक लीटर पेट्रोल ही खाएंगी, फ्यूल कंजम्पशन दोनों की सेम है, पर एक थोड़ी जल्दी खा जाएगी, 2 मिनट में ही सारा फ्यूल खत्म करेगी, और एक उससे भी जल्दी 1 मिनट में सारा फ्यूल खा जाएगी, पर फ्यूल तो एक एक लीटर ही लेगी, वो थोड़ा ऊपर नीचे कर देगी। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन दोनों का सेम है, तो अमाउंट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन भी दोनों की सेम है। फ्यूल कंजम्पशन इज समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी या वर्क डन, बस उसका पावर से लेना देना नहीं है। तुम फ्यूल जल्दी जो है यूज कर लेते हो वो तुम्हारे इंजन की पावर है, तुम लेट करते हो तुम्हारे इंजन की पावर है, पर यहां पर फ्यूल अमाउंट दोनों में क्या रहेगा? सेम। तो वही पूछ रहा है क्या वो सेम या डिफरेंट फ्यूल यूज करेंगी? वो सेम यूज करेंगी। पावर सप्लाइड इन केस, इन ईच केस क्या है? यही पावर। आंसर पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक फॉर्मूला और नोट करो। किसी भी मशीन की एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय सिंबल ईटा। फॉर्मूला रजिस्टर लगाओ, उसमें लिखो ईटा। तो ईटा इज एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी ऑफ मशीन इज गिवन बाय आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इनटू 100, या फिर आउटपुट वर्क डन बाय इनपुट एनर्जी इनटू 100, कोई भी यूज कर सकते हो। देखो ये तो बात सबको समझ में आती है, आउटपुट पावर इनपुट पावर बात खत्म हो जाती है। ये कैसे? आपकी कोई भी मशीन है वो आपसे एनर्जी लेगी, मान लो मोटर है, मोटर बिजली की फॉर्म में एनर्जी लेगी, तो इनपुट में क्या है? एनर्जी। और आउटपुट में क्या करेगी? कुछ काम करके देगी, पानी को ऊपर चढ़ा के देगी, वो काम करेगी। तो आउटपुट में क्या आती है? आउटपुट में एनर्जी नहीं बाहर आती, आउटपुट में तो वर्क डन ही होता है, कुछ काम करती है मशीन, और इनपुट में क्या आती है? एनर्जी। क्लियर है यहां तक? तो इस क्वेश्चन को आप जरा प्लीज देखें कैसे करना है। मुझे बस पहले ये बताएं, इसमें इसमें इनपुट पावर निकालनी है कि आउटपुट? इसमें अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूं इन दोनों में से, मुझे पावर को इनपुट या आउटपुट? इनपुट पावर। ऐसा कैसे पता लगा तुम्हें? कंज्यूम्ड है। तो वो कह रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर, भाई जो मोटर है जो पानी चढ़ा रही है वो इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम करेगी। इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम तो बिजली की एनर्जी है, बिजली पानी चढ़ाएगी कि बिजली देगी? मोटर पानी ऊपर चढ़ाएगी, तो उसका काम है पानी को ऊपर चढ़ाना, इनपुट में इलेक्ट्रिसिटी लेगी, तो आपको इनपुट पावर निकालनी है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए
ये सपोज करो एक टैंक है और 40 मीटर पे टैंक है और ये पंप लगा हुआ है जिसकी एफिशिएंसी 30% है सिर्फ। ये पंप इनपुट में बिजली ले रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर ले रहा है और आउटपुट में कुछ काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? ये पानी को ऊपर चढ़ा रहा है। तो वर्क डन कितना कर रहा है? एमजीएच। तो वर्क डन एफिशिएंसी के फॉर्मूले में एफिशिएंसी 30% है, 30/100 है। इनपुट पावर निकालनी है, आउटपुट पावर बताओ क्या है? आउटपुट में वर्क डन क्या है? एमजीएच। और वर्क डन को टाइम से डिवाइड किया तो क्या आ गया? आउटपुट पावर। तो एमजीएच बाय टाइम क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ये फॉर्मूला क्लियर है, इनपुट निकालनी है, एफिशिएंसी पता है, आउटपुट पावर में एमजीएच बाय टाइम। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको एम नहीं पता क्या है, मास क्या है। कोई बात नहीं, आपको मास नहीं पता कोई बात नहीं, आपको डेंसिटी ऑफ वाटर एस एम पता है 1000 होती है, आपको वॉल्यूम पता है तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या आ जाएगा? मास। तो मास क्या है? वॉल्यूम हमें पता है, कितने लीटर का टैंक है? 30 मीटर क्यूब का टैंक है। 30 मीटर क्यूब को डेंसिटी 1000 से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया? मास आ गया। क्लियर है? अब मास आ गया तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। एफिशिएंसी पता है, मास आपने निकाल लिया, जी आपको पता है, हाइट आपको पता है, इनपुट पावर निकालनी है और टाइम आपको पता है। कितनी देर में आ रहा है ये? 15 मिनट में, 15 × 60 निकाल लो, इनपुट पावर आ गया आंसर। कैसे सॉल्व करना समझ में आ रहा है? एफिशिएंसी आउटपुट पावर में, इनपुट पावर में, और ये मशीन ऊपर पानी चढ़ाने में आउटपुट पावर क्या देगी? एमजीएच बाय टाइम। तो हिंट नोट करना, हिंट नोट कर लो। कोई डाउट इसमें? हाँ, एक ऑप्शन हो रहा है। तो लास्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर आया किसी का? आ गया? कैसे किया? नेक्स्ट नेक्स्ट का, इससे नेक्स्ट का सेवन्थ है। हाँ, सेवन्थ का हुआ। फिर पंप वाला पाइप दिखा ना, क्वेश्चन नंबर सिक्स में, सिक्स में यार छः नंबर क्या किया? एमजीए तो है ही नहीं, पाइप में हॉरिजॉन्टल पानी निकल रहा है, वर्टिकल पानी है ही नहीं। आ गया आंसर? आ गया सही आंसर? आ गया ठीक है, सही कह रहे। मास क्या लिया? अच्छा, मास अपॉन टाइम हो गया, राइट, सही है। ठीक है, तो इसमें ठीक कह रहे हैं कि इसके अंदर जो अगला क्वेश्चन है जिसमें एक बार चेक करो जरा, ये क्वेश्चन नंबर सिक्स में ट्यूबवेल पंप्स आउट 2400 केजी ऑफ वाटर पर मिनट। तो क्या गिवन है? मास पर यूनिट टाइम। मास कितना है? 2400। टाइम कितना है? 60 केजी पर सेकेंड। क्या निकालना है? एक ट्यूब में से पानी बाहर निकल रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ वी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। और टाइम क्या है? टी। तो 10 घंटे का है, तो इसमें क्या निकालना है? हाउ मच पावर, पहले पावर निकालो। तो पावर की वैल्यू क्या है? काइनेटिक एनर्जी बाय टाइम। तो यहाँ पर मास अपॉन टाइम आपको क्वेश्चन में पता है कितना? मास अपॉन टाइम क्या है? 2400 बाय 60। और वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी क्या है? 3। तो 3 का स्क्वायर, इतने वॉट्स क्या जाएगी? पावर। ठीक है ना, क्लियर है? तो मास अपॉन टाइम तो गिवन ही है, वेलोसिटी आपको गिवन ही है, सॉल्व करके आंसर आ गया। अब वो कह रहे वर्क डन बताओ 10 घंटे में, तुम्हारे पास पावर तो आ ही गई, तो तुम फॉर्मूला लगा लेना, वर्क डन इज पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम में 10 घंटे बोल रहे, ये लो। तो वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी पावर इंटू 10 × 60 × 60।
निकाल लेना, इतने जूल आंसर आएगा। तो जो पावर यहाँ निकालोगे वो यहाँ पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा।